माइकी ओ हेलो गाइस, ये मेरा यूट्यूब का नया चैनल है। मैं यहाँ से आज से ब्लॉगिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। मेरा नाम है चैन शर्मा। अच्छा, और हम जा रहे हैं वाराणसी काशी विश्वनाथ टेम्पल। अभी सावन का महीना चल रहा है तो हम तीन दोस्तों ने प्लान किया कि हम वहाँ जाते हैं। इस बार कहीं और जाने का प्लान था नहीं, और था भी तो बहुत ज्यादा बारिश और ये सब चल रहा था। तो अभी आया हूँ मैं अपने दोस्त के घर, वो रेडी हो रहा है, उसको उठाते हैं, उसके बाद चलते अपने तीसरे दोस्त के पास। और ये मेरे जिगर के छल्ले हैं, बचपन के दोस्त हैं, तो हम ट्रिप साथ में ही करते हैं। तो दोस्तों, जैसे राकू अब थोड़ा सा तैयार होने लगा है और मल्टीविटामिन वगैरह चीजें रख ली है इसने, और हमारा एक ही बैग है दो भाइयों का, दो दिन के लिए जा रहे हैं तो उतना ही सामान रख रहे हैं। पर्स तो है लेकिन इसमें पैसे हमारे हैं नहीं। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। मजाक की बात से हटकर देखो, हमने दो जोड़ी कपड़े रखे हैं और दो जोड़ी कपड़े भी नए। ये तो बात है, क्योंकि हम कहीं जाते तभी नए कपड़े खरीदते हैं, उसके अलावा हम कभी कुछ नहीं खरीदते। वही लोअर टी शर्ट लौंडो वाली जिंदगी। और ये टावल भी हमने पिछली बार एक होटल से चुराया था वो चुराया था वही है, उसी को लेके जा रहे हैं। घर की है, मतलब हमने घर की बना ली है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। और वो बैठा हमारा सिम्बा, वो कह रहा है मनी मन कब जाएंगे ये लोग, कब जाएंगे। और मैं करके आया अपने जूते पूरे साफ, और इसके जूते बहुत ही ये नकली तरीके से जो धोए जा रहे हैं। इसने पहले शैम्पू लगाया जूतों पे, फिर साफ कर रहा है, पोछा भी रखा हुआ है, इसके बाद इसने पोछा लगाना है। और ये खड़ी अपनी बाइक, और इससे हम जाएंगे पलवल। कोई सेंस है इस बात की? इसे भी ले जाएंगे अगली बार इसे भी लेके चल रहे राघू। मुझे पकड़ा दिया बैग, सारा का सारा बैग मुझे भाई बैग पकड़। मैंने बनानी है ब्लॉगिंग तो किसको पकड़ा दिया बैग। तो यहाँ पे माइकी आ चुका है, वेडिंग प्लानर। ओ वो क्या, कौन सा प्लानर? फोटोग्राफर। अबे कुछ तो प्लानर है, ट्रिप प्लानर। डोंट स्टॉप चेजिंग द लाइट। तो ये लाइट को चेज करता हुआ फ्लैश से भी ज्यादा तेज अपना भाई, इसने भी अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करा था। अब हम दोनों ब्लॉगर बनने वाले हैं, और हमारे दो दो सब्सक्राइबर हैं। इसने मुझे करा हुआ है, मैंने इसे। छोटा बच्चा देख रहा है, कह रहा है बंद करो मोदी जी। तो ये दोस्तों कांवड़ आ रही है, कांवड़ यात्रा। इसके लिए पूरा ट्रैफिक रुक चुका है। ए, क्या बात है। इसकी वजह पूरा ट्रैफिक रुक चुका है यहाँ पर, और बहुत ही श्रद्धा लोगों के मन में, बहुत ही मजेदार। हम पहुँच गए हैं मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन है नीलम चौक अजवंदा। ये राकेश का बैग जो इसने उठा रखा है, इसमें मेरा भी सामान है। ये माइकी है। ये बहुत अच्छी सड़क हमारे वहाँ की। तो यहाँ से हमने जाना है कश्मीरी गेट। कश्मीरी गेट हमारी बस है जो हमने करी। बस कितने में करी हमने? बस 3000 में। तो हमने बस करिए 3000 में। स्लीपर बस है, बढ़िया लग्जरी, उससे जाने वाले हैं कश्मीरी गेट का। लेकिन बहुत पानी भरा हुआ है तो सब कुछ बड़ा टफ है। तो कुछ कर्तव्य होते हुए हम पहुंच गए कश्मीरी गेट। यहाँ पे भाई कर्तव्य कर रहा है कुछ। चुपा दो। जीवन में इससे कुछ हुआ नहीं और ये भी नहीं हो पा रहा है। माइकी ओ माइकी अपनी ब्लॉगिंग कर रहा है, और इसने बोतल फेंक दी। तो यहाँ पे भाई खिला रहा है स्वीट कॉर्न। नहीं जा रहे ना। और ये इसके पैसे देखो, पैसे नहीं है और बन रहे हो आवाज। और एक भाई दे रहा माइकी। माइकी ने बोला पूरी ट्रिप का खर्चा यही लेने वाला है। स्ट्रेटजी थी ये, इसकी स्ट्रेटजी थी। और इसने बताया कौन से लड़कियों वाले चीज को बनवाया। टेक्निकल इशू इसके में इशू है भाई। चल रहा है भाई टेक्निकल इशू। घूम फिर के अब पैसे भैया आपको देने पड़ेंगे भैया, टेक्निकल इशू। आज माइकी ने चार अपने अकाउंट खोल दिए है, देखते हैं इससे पेमेंट। ओ और हम में से कैश किस गया भैया, ये पत्थर तो धो भी नहीं पाते, अब कैसे पैसे चुकाएंगे आपके। जिस चीज की उम्मीद थी वही हुआ। माइकी से माइकी से यही उम्मीद थी। इसने सबसे पहले अपना मेट्रो कार्ड खो दिया है, और वहाँ पे खड़े खड़े स्वीट कॉर्न खा रहा है। तुझे चलना नहीं चलना, जा बोल उनको, बोल वो देंगे तेरे को, कोई पैसे दिए उनको खुले 50 करोड़ दे। क्या कह रहा है? ऐसा मारूंगा ना 50 का नोट दे, सब हिसाब होगा, फीस पहले ले लूंगा।
तो माइकी अपनी जंग जीतता हुआ कितने पैसे लगा के है? 130 रुपए लगाए हैं। तो हम पहुंच गए हैं कश्मीरी गेट और ये अपनी बस है गोला बस सर्विस, तो ये जाएगी काशी सामान रखने। और बहुत ज्यादा कीचड़ और बारिश का माहौल, बारिश तो बहुत ज्यादा हो रही है। माइकी बहुत बढ़िया दिमाग लगाया, चप्पल पहन गया और हम जूते सब खराब, जिंदगी खराब, जूते खराब, बस अच्छी हो बस। और बस वाले ने बोल दिया खाना ना खा लो, नॉन स्टॉप चलेगी। और इसका किराया सिर्फ मात्र 1000 रुपये है, जो कि आप समझिए बहुत ही रीजनेबल मेरे को तो लगा। ये स्लीपर है, सो के जाएंगे अच्छे से, अंदर ही सब कुछ है, सारी फैसिलिटी है, पानी वानी सब कुछ, ऐसा बोल रहे हैं। बाकी मेरे को यकीन नहीं है, बाकी अब अंदर बस के अंदर जाके दिखाऊंगी बस है क्या। तो हम बस के अंदर आ चुके हैं, भाई कर रहा है अपने शूज़ पैक क्योंकि शूज़ गंदे भी हो गए हैं। ये अपनी सीट है ऊपर वाली, माइकी की यहाँ है, माइकी की, माइकी को दुख है कि इसमें लाइट नहीं है। और बहुत ही बढ़िया रागपुर में यहाँ हाँ बैठने के लिए तीन लूडो खिला लेंगे यार, तो क्यों रो रहा है, लूडो खेलेगा क्या? तो बस बहुत ही अच्छी है, बस को देख के भी बहुत बढ़िया लग रहा है, साफ है। तो गाइज अब हम आ चुके हैं यहाँ पे खाना लेने के लिए क्योंकि रात को नॉन स्टॉप चलने वाली है। तो ये अभी डिसाइड कर रहे हैं क्या क्या लेना, केले, दाल, दाल तो नहीं यार मजा नहीं आता, दाल राजमा, सब्जी तो कीचड़ भर ले भाई, कीचड़ ले ले भाई, मैं कह रहा हूँ एक कटोरी में कीचड़ भर ले बोले। तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ खाने को मिला नहीं, अब जरा आगे देख के आते हैं कहाँ क्या मिल रहा है खाने को। और मुझे लगता नहीं कि हमें कुछ खाने को मिल पाएगा, भूखे पेट जाएंगे गरीबों की तरह, गरीबों की तरह क्या, गरीब ही हैं हम। पेटीज पैक करा ले 25 बस वाले भैया को भी खिला दे ले हैं, कंडक्टर को भी, इंस्ट्रक्टर को भी, सबको खिलाएंगे। और देखिए कितना बढ़िया तो नहीं लग रहा है, लेकिन जो भी है सही है। माइकी बहुत क्यूट लग रहा है काले कपड़ों में, और थोड़ा सा मैं अपने आप को भी दिखाना चाहूँगा। बहुत बुरे लग रहे, तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। यहाँ पे आए हैं लेकिन यहाँ भी कुछ नहीं है। तो एक और ढाबा मिल चुका है कश्मीरी गेट पे, बिल्कुल छुपा हुआ, कालू वैष्णो ढाबा। रात के खाने के लिए ले सकते हैं यहाँ से खाना। और राघु अब देख रहा है यहाँ से क्या लिया जाए। ये सब्जी क्या है? आलू सोयाबीन है, दाल फ्राई है, खाना नहीं पैक करना। माइकी ने हार मान लिया कि मैं सर दर्द हो रहा है, इसको दवाई दिलाएंगे अभी। तो खाना ले लिया हमने, क्या लिया है राकू? 10 रोटी और दाल फ्राई। और आप रेट सुन के हैरान हो जाएंगे, रेट इतना रीजनेबल बताया भैया ने, सिर्फ 100 रुपए। तो ये कुछ नज़ारा है अंदर का, और ऐसा लग रहा है जैसे हम पहाड़ों पे हों। और माइकी भी अपने घोंसले में चला गया है। राकू मज़ा आ रहा है? वो बहुत बढ़िया है, बस बिकट कोई दिक्कत नहीं है बस में। ये अपना एसी चल रहा है फुल, यहाँ रखा है सामान, और ये ट्रॉफी की तरह अपने जूते रख दिए। मैं तो जा रहा हूँ, इसको पहली बार नल्ला चबरी बेरोजगार ये पहली बार जा रहा है। तो चल पड़ी है अपनी सवारी, और ये दिल्ली का ट्रैफिक और बहुत ही मजेदार। हर 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 महादेव, बंसी वाले की जय। इधर आने की कोशिश, और ये हमारे घर में इसने धावा बोल दिया है माइक ने। समय बिताने के लिए कुछ करना है काम, तो अब हम देख रहे थे अपने रूम में, और हम तीनों भाई बहुत ही मस्त तरीके से देख रहे हैं। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच गए हैं वाराणसी। राकेश और माइक पूरी रात सोया नहीं है, बात ही कर रहे हैं। आधे घंटे का रास्ता है, 15 मिनट का रास्ता है, फिर हम पहुंच जाएंगे। और यहाँ से तो अभी आपको नज़ारा वगैरह दिखेगा नहीं क्योंकि नॉर्मल है। तो दोस्तों हमको बस से तो हम उतर गए, अब हम जा रहे हैं। माइकी कहाँ जा रहे हैं? हम अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है, होटल जा रहे हैं फिलहाल। तो भैया कौन से उसमें जा रहे हैं हम? राजा हरिश्चंद्र घाट। तो हम जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र घाट, पहले हमें गडोलिया जाना था लेकिन वो बंद हो चुका है कांवड़ियों की वजह से। तो इस वजह से हम जा रहे हैं राजा हरिश्चंद्र घाट। और भैया ने बहुत ही अच्छा प्राइस दिया हमको, 50 रुपए में लेके जा रहे हैं इस दिन। और भैया पैसा नहीं लेंगे, भैया बहुत खुश हो गए, भाई एक पैसा नहीं लेके लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और कैसा लगा यहाँ पे आगे, मतलब एक अलग सी वाइब आ रही है तुम्हें थोड़ी सी? मजा नहीं लगने का, इंजॉय नहीं लाइफ करने का।
चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। और अभी मतलब अभी तो नॉर्मल ही है यार, बाहर नॉर्मल ही है, कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन जब घाट वाट जाएंगे तब आपको दिखाएंगे। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और तो इस बार मन किया सावन था तो आ गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। तो गाइस हमें ये एक रूम मिला है, बहुत ही अच्छा, रीजनेबल, ठीक है। हमने तो सिर्फ बैग और सामान ही रखना है। ये सिर्फ 1650 रुपए का रूम है, बट इसमें कुछ है नहीं, माइक अपनी वीडियोस बना रहा है और हम बस थोड़ा सा रेस्ट करने आए थे जो हमने कर लिया है। अब खाना खाना है और अभी हम जा रहे हैं घाट पे नहाने और अभी देखेंगे कौन सा घाट है, पता नहीं है कौन से घाट पे जा रहे हैं, और तो आपको घाट पे जाके बताते हैं कैसा। तो हम जा रहे हैं केदारघाट, वहाँ पे थोड़ा नहाएंगे। ये केदारघाट का रास्ता नहीं है यार। तो फाइनली हम केदारघाट वाली लाइन में आ गए, ये रास्ता केदारघाट जाने वाले हैं। अभी वहाँ पे जाके थोड़ा सा स्नान वगैरह करना है हम लोगों ने, नहाना है, थोड़ा बैठेंगे थोड़ी देर, देखेंगे अभी पहले कुछ खाएंगे, उससे पहले देखते हैं कहाँ क्या मिलता है अच्छा सा खाना, कुछ ऐसे नहीं खाना यहाँ बहुत ज़्यादा, जैसे जिलेबी, समोसे, कचौड़ी, ये सब मिलता है, बट वो चीज़ मन नहीं है खाने का, कुछ अच्छा सा हेल्दी सा कि जिससे थोड़ा एनर्जी बनी रहे, और यहाँ बहुत सारा गंदा हुआ पड़ा है, और गिर जाओ। आराम का मज़ा कैसे होता है मैं आपको बता दूँ कि आप सब चीज़ों से जब मुक्त हो जाते हैं, खाना पीना सब खा लिया है, घर परिवार सब ठीक हो जाए, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि कैसे कोई भी प्राणी हो कैसे आराम से सोता है। मेंटोस जिंदगी, ये है आम जिंदगी। तो हम आ चुके हैं केदारघाट, और केदारघाट पे आप देखिए कितना बढ़िया हो रहा है सबका सब। धूप है लेकिन थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है क्योंकि पानी है तो ह्यूमिडिटी है, लेकिन आप देखिए कैसे लोग सारे के सारे बोटिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं सब लोग। पूरा नज़ारा देखिए पूरा खुल के, ये बहुत बढ़िया, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। और माइकी अपनी सिनेमैटिक अलग चला रहा है वहाँ पे, मेरे साथ राकेश है कैमरामैन। हर हर महादेव। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मैं दिखती हूँ माँ जैसी लेकिन हूँ अपने पापा की बेटी। लाला है। उधर क्या बना रहा है? तू इधर कोने में आ रहा है? इधर क्या? ले ले भी अभी क्या हो गया? तो नहाने के बाद हम इधर आ चुके हैं, थोड़ी सी भूख लग रही थी, वैसे खाना तो हमें थाली वाली थी लेकिन अब यहाँ आए हैं तो थाली वाली तो हर जगह ही खाते हैं, तो हम ये खा रहे हैं। ये है छोले स्वाल, और ये बहुत ही अच्छा, देखो ये मतलब मिट्टी का बर्तन और इसमें ये है, और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। इसके बाद हम समोसे भी खाएंगे लेकिन वो भी टाइम लगेगा उसमें, इसलिए पहले हम पैक करके आके ले जाने वाले थे लेकिन इन्होंने बोला यहीं खा लेते। कैसा लग रहा आपको? माइकी भाई बहुत अच्छा था, 20 रुपए का, लेकिन इसका टेस्टी था, बहुत ही बढ़िया मजा आया, बहुत खा के दिन में एक बार खा सकते हो, दिन में एक बार खा सकते हो। और ये है यहाँ पे माही स्वीट्स, इससे क्या ही फर्क पड़ रहा है वैसे, लेकिन बढ़िया है जो भी है। तो खाना खाने के बाद हम आगे रूम पे, खाने की वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो इस वजह से पहले खाने को कॉन्सेंट्रेट करा, इनका वीडियो जाके बनाएंगे। अब हम रूम पे आ चुके हैं, 2-1 घंटा हम यहाँ पे रेस्ट करेंगे, उसके बाद देखने जाएंगे कि कैसा है क्या है। तो हम जाने वाले थे बाहर घूमने लेकिन बारिश हो गई है बहुत ज़्यादा, और आपको एक चीज़ दिखाते हैं, ये बच्चा बहुत मज़े ले रहा है। ये